हरियाणा में इस बार विधानसभा चुनाव शुरू होने के बाद में जो सबसे ज्यादा एक चीज की चर्चा रही वो चर्चा रही कांग्रेस के टिकटों की कि कांग्रेस अपनी टिकट की घोषणा कब करेगी। और ऐसा हुआ इस बार के चुनाव में कि बिल्कुल आखिरी तक टिकट जो है वो रोक करके कांग्रेस पार्टी ने रखी। किसी को नहीं पता था कि टिकट किसकी कहां पर मिल रही है। और ऐसे में एक टिकट कांग्रेस पार्टी की मिलती है भवानी खेड़ा के अंदर प्रदीप नरवाल को। प्रदीप नरवाल जी हमारे साथ में हैं। प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और चर्चा जो है वो इस बात की है कि 33 साल का एक नौजवान जो कि जेएनयू से निकला और वो कैसे कांग्रेस पार्टी की टिकट ले आया और इस बार इतनी मारामारी है। और इस बेल्ट में अगर देखें तो तोसाम के अंदर भी बहुत तगड़ी फाइट, उधर आप देखेंगे आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई के बेटे की वीडियो लगातार हम लोग देखते रहते हैं। जब इतना माहौल बना हुआ है और उस माहौल के बीच में से जब रात को 12 बजे तक कांग्रेस की टिकट के लिए मारामारी हो रही थी कि कल नॉमिनेशन की आखिरी डेट है और टिकट नहीं हुई है, ऐसे में आप भवानी खेड़ा से टिकट लेकर क्या आ गए? नहीं आता, कोई टिकट दी जाती है पार्टी में। देखिए मैं पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी रहा हूँ, राष्ट्रीय सचिव पार्टी का, प्रदेश का सह प्रभारी हूँ और मुझे हमेशा हमारे कांग्रेस में जो मैं कहता हूँ मेरी विचारधारा राहुल गांधी जी, मेरी नेता प्रियंका गांधी जी और हरियाणा मेरे बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, सबने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया, हमेशा मुझे ताकत दी। और अब आपके सामने है और कांग्रेस में टिकट का प्रोसेस है, कोई ऐसा नहीं टिकट आ जाती पीसी स्क्रीनिंग सीसी, तो पार्टी का आदेश था चुनाव लड़ो भवानी खेड़ा, हम लड़ने आगे भवानी खेड़ा है। और यार बड़ा उत्साह है, जनता को बड़ा प्यार मिल रहा है, बड़ी ताकत मिल रही है और एक इतना उत्साह मैंने सोचा नहीं था लोगों को होगा, इतना प्यार मिलेगा, पर बहुत प्यार और भवानी खेड़ा को आगे बढ़ाएंगे, सबके नंबर वन बनाएंगे। ये अभी जो है वो धनाना एक गाँव है जिसमें हमें लोकेशन मिली की प्रदीप जी जो है यहाँ है, करीब 10,000 के करीब वोट है वहाँ पे। और धनाना में मैं अभी वहां पे लोगों से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि ऐसा गांव है जिसने अंग्रेजों के टाइम पे भी लगान जो है वो नहीं दी। बहुत ही क्रांतिकारी गांव है, किसान आंदोलन बड़ा रोल रहा है। तो मतलब 10,000 के करीब वोट और उस गांव में भी 4 प्रोग्राम आपके, तो ये माहौल बना पाए आप? क्योंकि एक आपके ऊपर एक तरीके से शुरुआत में मैंने देखी कई वीडियो ऐसी भी आई जो कि बाहर से आ गए हैं, टिकट ले आए हैं, ये जो सीट है भवानी खेड़ा इसमें 10 साल से अभी बीजेपी जीतती रही, उससे करीब 3 बार 10 साल से कांग्रेस और उससे पहले भी कांग्रेस के बाद में अंदर रामकिशन फौजी वो शामिल हो गए, 10 साल से बीजेपी लड़ जीती है, उससे पहले 10 साल कांग्रेस। तो ये जो बाहरी होने का या विरोध था वो सब अब मैनेज हो गया? देखिए बाहरी ये सब बातें, मेरे गांव का थोड़ा है तो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, सारी मेरी रिश्तेदारी यहाँ है, बल्कि मैंने हर जगह बात की कि कथूरा मेरी जन्मभूमि है और भवानी खेड़ा मेरी कर्मभूमि बनी, मेरे हमेशा कर्म के नाम पे वोट डालूंगा और मेरे गांव की सारी रिश्तेदारियां यहाँ, हमारे तो हर गांव में जाते हैं, बेटी ब्याह रखी है, शादी हो रखी है और जनता तय करती है कौन बाहरी है कौन अंदर का है, कौन लायक कौन नालायक है। जनता ने बहुत प्यार दिया, बुजुर्गों ने बहुत प्यार दिया, जहाँ गया हूँ माताओं ने बहुत प्यार दिया और युवा साथियों ने बहुत साथ दिया इस चुनाव, जिसको मैं अभी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और अभी बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन मिला, सब लोग दिन रात प्रोग्राम करते हैं, रात को 2-2 बज जाते हैं, रोज मिलते 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 मिलते, हालांकि उसकी तबीयत भी खराब हो गई, मैं सो नहीं पा रहा हूँ पिछले 15 दिन से, 2-3 घंटे सो पाता हूँ। एक दिल्ली कनेक्शन थोड़ा सा समझाइए, प्रियंका गांधी कल पहली बार हरियाणा रैली करने के लिए आ रही है, वैसे वो यात्रा में थी लेकिन इंडिविजुअली रैली कल उनकी पहली होगी जिसमें वो जुलाना में आएंगी विनेश फोगाट के लिए। और मैं प्रियंका के जो सचिव हैं उनकी एक वो देख रहा था, उन्होंने भेजा मैसेज कि कल 2 रैलियां हैं और उसमें नौजवान और पहलवान उसकी जोड़ी को जिताने के लिए प्रियंका रैली कर रही है। तो प्रियंका गांधी के मतलब बहुत सारे लोग, आप सचिव रहे हैं, महासचिव हैं ना, वो कांग्रेस पार्टी के AICC के सचिव हैं, जब थी महासचिव थी मैं सचिव। तो ऐसा क्या कनेक्शन है कि वहां से आप टिकट भी लेकर के आए और कल रैली के लिए भी प्रियंका स्पेशल आ रही है? देखिए प्रियंका गांधी जी को कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता के देता है, उन्होंने हर कार्यकर्ता में आगे बढ़ाया है और मैं सौभाग्यशाली हूँ, उन्होंने हमेशा मेरे सिर पे हाथ रखा, एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया। पहले मुझे पार्टी में नेशनल कमेटी में बैठा, नेशनल सेक्रेटरी में, नेक्स्ट स्टेट को मैंने देखा बड़े करीब से और फिर अब जो चुनाव लड़ने आया हूँ भवानी खेड़ा में, हमेशा उनका आशीर्वाद रहा और मैं प्रचार करने शुरुआत दीपेंद्र सिंह की, फिर से कल प्रियंका जी आ रहे हैं और मेरे लिए बड़ी खुशी का पल है। तो
हम तो रिक्वेस्ट करते लीडरशिप से, मेरी किस्मत अच्छी है, मेरी मतलब युवा हमेशा मैं रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और मेरे प्रचार करने आ रही है, तो सौभाग्यशाली मैं तो हमेशा दीदी का हमेशा प्यार हम लोग मिलता रहा, तो ये सौभाग्य की बात हम सुन रहे हैं कि ऐसी लीडरशिप हमें मिली है जो हमेशा गरीब घर के आम बेटे को, नॉन पॉलिटिकल परिवार के बेटे को हमेशा आगे बढ़ाती है और वैचारिक राजनीति करने वालों को हमेशा आगे रखते हैं। कुछ तीखे सवाल भी आपसे हो जाए, आप एक दलित फेस के तौर पे, एक युवा के तौर पे कांग्रेस पार्टी आपको आगे बढ़ा रही है, लेकिन क्या दलित और जिस तरीके से कुमारी सैलजा का जो पूरा कॉन्सेप्ट हुआ, पूरी खबरें चली, तो वो कल जो हाथ मिले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और कुमारी सैलजा के, जो राहुल गांधी ने मंच से मिलाए, तो अब दिल भी मिल गए, बात पूरी हो गई? देखिए कुमारी सैलजा पार्टी राष्ट्रीय महासचिव है, हम सबके आदरणीय लीडर नेता है, सीट के प्रभारी है, एमपी रहे, राज्यसभा लोकसभा सब सदनों में रही, हुड्डा साहब हमारे यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, नेता विपक्ष है और उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है पूरा, ये बीजेपी मनगढ़ंत कहानी है, पार्टी में सब ठीक नहीं है, ये नहीं है, सब कुछ है नहीं, पार्टी एक है, पार्टी एक साथ लड़ाई लड़ रही है, मिलकर लड़ाई लड़ रही है और मेरा विश्वास है कि ये एकता की कहानी दो देव भूमि से सरकार बनाया जा रहा है हरियाणा। जो मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो वादा किए गए और खास तौर पर एक जो बुढ़ापा पेंशन के लिए, वृद्ध पेंशन के लिए 6,000 रुपए, ये मतलब ऐसे ही बोल दिए जा रहे हैं या वाकई हो पाएंगे, या चुनावी में जुमले हैं, वादे हैं? भारतीय लोकतंत्र वेलफेयर स्टेट के आइडिया पे टिका है, एक ऐसी सरकार जो लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है और ये कोई सरकार एहसान नहीं करती है पैसा देके किसी आदमी को या सब्सिडी देके, ये लोगों का अधिकार है, सरकार का काम है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा और चिकित्सा मिले, अच्छी और सस्ती शिक्षा मिले, जो मतलब यूनिवर्सिटी से नारे लगाते हैं, अच्छी और शिक्षा, अच्छी और सस्ती शिक्षा हमारा अधिकार है और हर बुढ़ापे वृद्ध आदमी का अधिकार है कि उसकी सरकार उसको प्रोटेक्ट करे जब उसकी उम्र हो जाए, हमारी माताओं की या बुजुर्गों की, ये सरकार का काम है और सरकारें अक्सर ही काम करती नहीं है, बीजेपी सरकार नहीं हुआ करती, तो भारतीय स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है और इकोनॉमी वाइबल हो जाती है, पर नेताओं की सिर्फ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विचार होना चाहिए, विजन होना चाहिए, निराशा वंश भाजपा को विचार ही नहीं है ना विजन है, टूट फूट करके वो सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी, वो कांग्रेस का पहले गारंटी आई, उसके बाद में बीजेपी का मैनिफेस्टो आया, आपके बाद में फिर मैनिफेस्टो आपका दोबारा फिर आया, तकरीबन सेम सेम चीजें हैं, वही 500 रुपए सिलेंडर वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैनिफेस्टो 15 लाख का विधा सरकार 10 साल से है, उनको मैनिफेस्टो निकालने की जरूरत है, भी मैनिफेस्टो वो लोग निकालते हैं जो लोग सरकार में नहीं है कि हम ये करेंगे, जो सरकार में होते हैं उनको मैनिफेस्टो निकालना तो चाहिए, वो तो आपकी भी सरकार है जहाँ पे आप भी तो मैनिफेस्टो निकालेंगे, उसमें हम ये निकालते हैं क्या किया है, हमने निकाला छत्तीसगढ़ में भारत हमने उस पर वोट मांगने क्या किया है, सरकार नहीं बनी वहां पे, लेकिन जब सरकार होती है इस बात पर वोट मांगना चाहिए, हम क्या करेंगे इस बात पर, हम क्या करेंगे मतलब क्या किया उस पर वोट मांगना चाहिए, तो दुर्भाग्य बीजेपी का 20 में वोट मांगे हम क्या करेंगे, 10 साल हो गए हमने किया, आगे क्या करोगे, तो ये भाजपा का दुर्भाग्य उस पार्टी का, बिजनेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी विचार की पार्टी है। 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी, ये आपका एक मैनिफेस्टो में वार्ता में, कैसे होगा? देखिए नेताओं की इच्छा शक्ति और विजन पे डिपेंड करता है, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा स्टेट में, किस तरह जॉब क्रिएशन होगा, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, कांग्रेस सरकार में प्लानिंग कमीशन बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे, प्रभात पटनायक भी थे, टिकालू वालिया भी थे, जिनको विचार दिमाग में था इकोनॉमी का, भाजपा सरकार में बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट जो मेरे गवर्नर थे वो छोड़ के चले गए बीच में, तो ये भाजपा के साथ कोई टिक नहीं पाता इंटेलेक्चुअल को भजम ही नहीं, रात को डिमोनेटाइजेशन कर देना, तो ये अर्थव्यवस्था विरोधी पार्टी है, ये लोग हवा में फैसले लेते हैं, तो एक राजा तुगलक राजा था, तुगलक ही फरमान देते हैं, इनको इकोनॉमी जॉब क्रिएशन का आइडिया नहीं है, कांग्रेस पार्टी का आइडिया है, यही फर्क है, कांग्रेस पार्टी ने देश बनाया है, जब देश में शुरुआत हुई थी डेवलपमेंट की तो उस समय होती देश में कुछ था ही नहीं, सूर्य से कारखाने नेहरू जी ने बनाए, IIT IIM बनाए, PSU का आइडिया बनाया, नए PSU बनाए, बड़े बड़े डैम बनाए, देश कांग्रेस का बनाया, क्योंकि कांग्रेस के दिमाग में आइडिया है देश कैसे बनाए, देश कैसे चलाना है, बीजेपी के दिमाग में सिर्फ एक आइडिया है कि सत्ता में कैसे आना है, आने के बाद क्या कर रहा हूँ आइडिया नहीं है, ये फर्क है दोनों पार्टी। लेकिन बीजेपी ने एक नैरेटिव यहाँ पे चलाया, पर्ची खर्ची के बिना नौकरी देंगे, पर्ची खर्ची के बिना नौकरी,
और आपके ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी पे कि यहाँ पे तो हुड्डा गुट के जो है वो अलग पर्चियां जाएंगी, शैलजा गुट को जो है वो अलग जो है वो कोलेटर मंगवाए जाएंगे, उनके बच्चों को और उनके लोगों को नौकरियां मिलेंगी। एचपीएससी में हरियाणा में सेक्रेटरी को बंगिया तो पकड़ा गया था 1 करोड़ रिश्वत लेते हुए, उन लोगों की बात नहीं करने जिन्हें खुद को घर शीशे के, क्योंकि भाजपा कह दे कुछ भी कह देगी, इन लोगों ने पिछले 10 साल में हरियाणा में किया पाप है। हरियाणा भाईचारे का स्टेट, 36 कौम की बात होती, पूरे देश में की बात होती, 36 कौम चिल्ला रहे हो, 36 कौम हरियाणा के लोग बोलते हैं, 36 कौम का भाईचारा, भाईचारा ना बिगाड़ो, ये हरियाणा है। आप कहीं भी जाओगे पोलिटिक्स की बात करें, उठ के लोग बोले उन्होंने भाईचारा मत बिगाड़ो, 36 कौम एक है। इस ऐसा स्टेट, इस स्टेट की आत्मा है 36 कौम का भाईचारा, उस आत्मा को कुचलने की कोशिश की भाजपा ने, अब जनता ने मन बना लिया। भाजपा ने पहले सीएम बदला 8 महीने पहले, 5 महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष मिलना, 3 में 4 महीने पहले, अब विधायकों की टिकट बदल रही, जनता ने मन बना लिया, भाजपा को बदलना, भाजपा बदलने जा रही है यहाँ से। एक मैं ग्राउंड पे लगातार घूम रहा हूँ काफी टाइम से, और अभी आपको जाना, लेकिन एक दो सवाल बस आखिरी, पोर्टल को लेकर के लोगों की बड़ी समस्या है, नाराजगी है, आपकी सरकार अगर मान लीजिए आती है तो पोर्टल का कैसे आप करेंगे? देखिए कांग्रेस जनता की सरकार बनाती है, जनता की सरकार चलाती है, अक्सर भाजपा सरकारें क्योंकि नेताओं को ज्ञान कम है, पढ़े लिखे नेता भाजपा से भी कम है, कांग्रेस में पढ़े लिखे नेता ज्यादा है, हालांकि अभी कांग्रेस में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नेता भी समस्या पार्टी में बन जाते हैं, लेकिन मजाक की बात है कि कांग्रेस में पढ़े लिखे नेता वाकई बहुत ज्यादा है, भाजपा में पढ़े लिखे लोग कम है, पढ़े लिखे भी कम और समाज के प्रति जिम्मेदार लोग भी कम है। पुराने तो वैसे पढ़े लिखे नहीं होते पर समाज के प्रति जागरूक और जिम्मेदार होते थे, हमारे हरियाणा कहा था पढ़ाने पर कड़े आउड़ा है, कड़े भी होते थे, बीजेपी में ना पढ़े हैं ना कड़े हैं, सत्ता में आना है किसी तरह समाज में विवाद पैदा करके, पर वही भाजपा सच्चाई है, कांग्रेस पार्टी हरियाणा को आगे बढ़ाएगी। और मैं कहता हूँ हमारे मैनिफेस्टो में 500 रुपए की सिलेंडर भी, 6000 बुढ़ापा पेंशन भी, 2000 महिलाओं को भी, 300 फ्री बिजली भी, लेकिन भवानी खेड़ा मेरे पूरे हल्के में सबसे बड़ी समस्या पानी की, हमारा हर जगह बात है कि आपका बेटा भवानी खेड़ा का पानी लेके आएगा, यहाँ कांग्रेस सरकार में एक एक दो दो हफ्ते नहर आती तेल बोलते हैं ऊपर तक पानी आता था, अब ना पानी आ रहा, सूखा पड़े किसान परेशान, लोग पीने का पानी ना नहरी पानी, तो भाजपा अव्यवस्थित पार्टी, समाज को अव्यवस्थित तरीके चलाती है, कांग्रेस व्यवस्थित पार्टी। तो चुनाव बन रहा है आपका? आप देखिए आप आए आप एमएसकी में अपने मुंह से क्या तो लड़ रहा हूं ताकत से, और जनता ने अपार समर्थन दिया है, बड़ी जीत की तरफ लोग बढ़ेंगे यहाँ पे, और अभी तो मैं लोग आशीर्वाद लेने मशरूफ हूँ, आशीर्वाद ले रहे हैं। तो रामकिशन फौजी जो यहाँ पे 10 साल तक कांग्रेस के विधायक रहे, उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा था, फिर वापसी ले लिया। अब तो रामकिशन जी 3 बार विधायक रहे, हाँ 3 बार, 2 बार कांग्रेस से, 1 बार वो दूसरी पार्टी से रहे, हरियाणा विकास पार्टी से, और 2 बार से बाहर रहे थे, पर्चा वापिस लिया, उनको मेरे को साथ दिया, मेरे समर्थन में उनको मैं धन्यवाद करता हूँ, साथ है मेरे, तो अब सब सेट है, सेट तो जब वो खुलेगी मत की पेटियां, ये राजनीति में लोगों को बोलता हूँ, प्रदीप नरवाल नौजन जीते थे टिकट लेके आया, नौजन जीतेगा जिस दिन विधायक बनेगा, प्रदीप नरवाल उस दिन जीतेगा जिस दिन 5 साल बाद मेरे भवानी खेड़ा की तस्वीर बदल जाएगी, लोग कहीं वाकई उस लड़के ने वालों काम किया, उस लड़के को आगे बढ़ाया है, हर गाँव में जो अच्छा स्कूल हो जाएगा, हर गाँव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो जाएगा, बड़ा अस्पताल लोग नहीं खुल सकता पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए गाँव में, स्ट्रीट लाइट्स होंगी, हर गाँव में नहर का जो पानी की समस्या है जो पूरे हल्के में वो खत्म हो जाएगा, और लोग बोलेंगे बेटा वोट मांगने मत आ, तूने काम किया तेरे को काम पे वोट देंगे, उसने प्रदीप नरवाल जीते, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो प्रदीप नरवाल है, वैसे कई बार कई बड़े कैंडिडेट जो है वो दूसरी दूसरी सीटों पर जाकर के लड़े, खुद नरेंद्र मोदी गुजरात से आए थे, एक रणनीति के तहत बहुत सारे लोग उतरते हैं, लेकिन बड़े कैंडिडेट में और छोटे कैंडिडेट में बड़ा अंतर होता है, और कांग्रेस ने एक नए चेहरे पर प्रदीप नरवाल को यहाँ से भवानी खेड़ा से उतारा है, अब देखते हैं क्या होता है, बहुत बहुत धन्यवाद।